गुड मॉर्निंग क्लास. इन आवर प्रीवियस लेक्चर वी स्टडी अबाउट द क्वांटम नंबर्स. वी हैव बेसिकली फोर टाइप्स ऑफ क्वांटम नंबर, एन, एल, एम एंड एस. अब जो पॉसिबल वैल्यूज है क्वांटम नंबर की, उनके लिए जो है हम कैलकुलेट करेंगे मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट कैन बी एडेड इन ईच शेल एंड सब शेल, कि एक शेल में और सब शेल में जो है कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं. उसके लिए जो है वो नंबर कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास एक रूल है जिस प्रिंसिपल को हम फॉलो करेंगे, एंड दैट प्रिंसिपल इज नोन एज पॉली एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल. अब जो हमारे पास ऑर्बिटल होता है बेसिकली उसको हम स्पेसिफाई करते हैं विद द हेल्प ऑफ थ्री क्वांटम नंबर्स, दैट इज एन, एल एंड एम. अब ये जो इलेक्ट्रॉन है अगर उसके पास जो है किसी ऑर्बिटल में इन तीनों की वैल्यू सेम है, एन वैल्यू भी सेम है, एल वैल्यू भी सेम है, एम वैल्यू भी सेम है, इनके लिए क्या होगा, हमारे पास टू वैल्यूज होंगी फोर्थ क्वांटम नंबर की, दैट इज एस. एस की जो वैल्यूज होती है वो दो वैल्यूज होती है, प्लस वन बाय टू और माइनस वन बाय टू. मीन्स कि अगर हमारे पास इन तीनों की वैल्यू सेम है किसी ऑर्बिटल के लिए, तो उस केस में भी क्या होगा, हमारे पास दो एस की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज होंगी. दैट मीन्स कि जो एक ऑर्बिटल है उसे हम कह सकते हैं कि एट द मोस्ट जो है उसके अंदर जो है टू इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, और उनकी जो स्पिन होगी, उनकी जो स्पिन होगी वो दोनों की क्या होगी, आपस में डिफरेंट होगी. ये जो बेसिक है कंसेप्ट है पॉली एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल का, कि जो पॉली एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल है इसने क्या कहा था, एन ऑर्बिटल कैन कंटेन मैक्सिमम ऑफ टू इलेक्ट्रॉन्स एंड दीज टू इलेक्ट्रॉन्स आर ऑफ अपोजिट स्पिन. ओके, कि जो एक ऑर्बिटल है उसके अंदर दो इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं एंड दे मस्ट बी ऑफ अपोजिट स्पिन. अब जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं इसमें एग्जाम्पल लेके चलती हूँ, मेरे पास एन की वैल्यू वन है, एन इज इक्वल टू वन, एन इज इक्वल टू वन, दो के लिए मैं लेके चल रही हूँ. सिमिलर में एल की वैल्यू भी इनके लिए सेम है दोनों के लिए, एल इज इक्वल टू जीरो, एल इज इक्वल टू जीरो. सिमिलर वे में एम इज इक्वल टू जीरो, तीनों के दोनों के लिए एन एल एम तीनों वैल्यू सेम है, बट एस की क्या होंगी, डिफरेंट वैल्यूज होंगी, प्लस वन बाय टू एंड माइनस वन बाय टू. दैट मीन्स कि जो एक ऑर्बिटल होगा सेम ऑर्बिटल के लिए जो हमारे पास उसके अंदर मैक्सिमम टू इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, एंड दैट टू इलेक्ट्रॉन्स दे मस्ट बी ऑफ अपोजिट स्पिन, कि जो दोनों की स्पिन होगी वो क्या होगी, डिफरेंट स्पिन होगी. सिमिलर वे में यही हम अप्लाई करेंगे अगर मैं एस सबशेल की बात कर रही हूँ. एस सबशेल के अंदर हमारे पास बेसिकली क्या होता है, टोटल वन ऑर्बिटल होता है. वन ऑर्बिटल का मतलब क्या हुआ, कितने इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, टू इलेक्ट्रॉन्स. सिमिलर वे में अगर पी सबशेल की बात करते हैं, पी सबशेल के अंदर टोटल हमारे पास थ्री ऑर्बिटल्स होते हैं. ये क्या है, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स. पी के अंदर थ्री ऑर्बिटल्स हो सकते हैं, एक ऑर्बिटल में टू इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं तो थ्री में कितने आ जाएंगे, सिक्स इलेक्ट्रॉन्स. सिमिलर वे में डी सबशेल, डी सबशेल के अंदर टोटल फाइव ऑर्बिटल्स होते हैं, दैट मीन्स फाइव टू जो टेन, टेन इलेक्ट्रॉन्स. एंड एफ सबशेल की अगर मैं बात करूँ, उसके अंदर टोटल जो है हमारे पास सेवन ऑर्बिटल्स होते हैं, सेवन का मीन्स कितने हो गए, फोर्टीन इलेक्ट्रॉन्स. मीन्स इससे हमें क्या पता चल रहा है कि जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे इन अ सबशेल डज नॉट डिपेंड अपॉन द वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, कि वो कितने ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के ऊपर डिपेंड नहीं करेंगे. वो किसके ऊपर डिपेंड करें, उनके स्पिन के ऊपर, कि जो दोनों की स्पिन होनी चाहिए वो आपस में क्या हो, अपोजिट स्पिन की हो. क्लियर, ये कि हमने सबशेल के बाद. अब जैसे सपोज करो मेरे पास जो है एन की वैल्यू वन है, n इज इक्वल टू वन, एन इज इक्वल टू वन के लिए पॉसिबल वैल्यू l की कितनी होगी, सिर्फ एक वैल्यू होगी, l इज इक्वल टू जीरो, और इसके लिए हम इसको क्या बोलेंगे, वन एस सबशेल. वन एस सबशेल l इज इक्वल टू जीरो, तो m की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी, जीरो. m इज इक्वल टू जीरो मीन्स वन ऑर्बिटल, वन ऑर्बिटल दैट मीन्स टू इलेक्ट्रॉन्स. सिमिलर वे में n इज इक्वल टू टू, एन इज इक्वल टू टू के लिए एल की दो वैल्यूज हो सकती है, एल इज इक्वल टू जीरो, एल इज इक्वल टू वन. एल इज इक्वल टू जीरो का मीन क्या हुआ, टू एस सबशेल, और एल इज इक्वल टू वन का मीन हुआ टू पी सबशेल. एल इज इक्वल टू जीरो के लिए एम की वैल्यू भी जीरो, वन ऑर्बिटल हो जाएगा, और एल इज इक्वल टू वन के लिए वैल्यूज माइनस वन, जीरो, प्लस वन. ये समझ में आ रहा है मैं कैसे वैल्यू ले रही हूँ, जैसे हमने कल कैलकुलेट जब क्वांटम नंबर स्टडी किए थे कि जो एम की वैल्यूज होंगी वो माइनस एल टू प्लस एल होंगी. अब इसमें एल की वैल्यू कितनी है, प्लस वन, तो एम की वैल्यू क्या होगी, माइनस वन टू प्लस वन, दैट इज माइनस वन, जीरो एंड वन. टोटल कितने हो गए, थ्री ऑर्बिटल. एन इज इक्वल टू टू प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के लिए टोटल हमारे पास थ्री ऑर्बिटल्स हो गए, थ्री ऑर्बिटल ये, वन ऑर्बिटल ये. इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, टू इलेक्ट्रॉन्स. थ्री ऑर्बिटल्स में कितने आएंगे, सिक्स इलेक्ट्रॉन्स, और टोटल कितने हो जाएंगे, एट इलेक्ट्रॉन्स. क्लियर. सिमिलर वे में एन इज इक्वल टू थ्री, एन इज इक्वल टू थ्री के लिए एल की वैल्यू एन माइनस वन तक होती है वैल्यू, एल इज इक्वल टू जीरो, एल इज इक्वल टू वन, एल इज इक्वल टू टू. एल इज इक्वल टू जीरो का मीन हुआ थ्री एस, ये हो गया थ्री पी, और ये होगी थ्री डी.
L is equal to 0, that means M is equal to 0. L is equal to 1, M is equal to minus 1, 0, plus 1. और 2 के लिए minus 2, minus 1, 0, plus 1, plus 2. 1 orbital है, 2 electrons, 3 orbital, 6 electrons, 5 orbital, total 10 electrons. और total कितने हो गए हैं? 18 electrons. N is equal to 3 principal quantum के अंदर कितने होंगे? Total 18 electrons. सिमिलर वे में n इज इक्वल टू 4 अगर तो l की वैल्यूज 0, 1, 2 एंड 3. l इज इक्वल टू 0, 4s, 4p, 4d एंड 4f. इसके लिए m की वैल्यू कितनी होगी? 0, माइनस 1, 0, प्लस 1. सिमिलर वे में ये माइनस 2, माइनस 1, 0, प्लस 1, प्लस 2. ऐसे ही है माइनस 3, माइनस 2, माइनस 1, 0, प्लस 1, प्लस 2. ये टोटल वैल्यूज हो जाएंगे. अब देखो 1 ऑर्बिटल 2 इलेक्ट्रॉन्स, 3 ऑर्बिटल 6 इलेक्ट्रॉन्स, 5 ऑर्बिटल 10 इलेक्ट्रॉन्स, 7 ऑर्बिटल्स 14 इलेक्ट्रॉन्स. दैट मीन्स टोटल कितने हो गई हैं? 32 इलेक्ट्रॉन्स. तो इस तरीके से जो है हम टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है कैलकुलेट कर सकते हैं. क्लियर हुआ कैसे निकालना है? इसका बेस पे जो है 1 या फिर 2 मार्क्स में क्वेश्चन आ जाता है कि आपके पास कोई भी गिवन होगा. सपोज करो आपके पास गिवन है 4f ऑर्बिटल, कि उसके लिए आपसे पूछ लेंगे कि पॉसिबल वैल्यूज बताओ, nlm वैल्यूज क्या होंगी, या फिर कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे प्रेजेंट होंगे. ओके, अब जो आगे हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसको समझने की भी अच्छे से ज़रूरत है. इसको ध्यान से नोट करना. अब देखो नेक्स्ट टॉपिक क्या है? वेव फंक्शन ऑफ हाइड्रोजन एटम. वेव फंक्शन ऑफ हाइड्रोजन एटम, इसमें से मैक्सिमम टाइम जो क्वेश्चन है वो एग्जाम में पूछ लिया जाता है. अब देखो जो हमने श्रोडिंगर वेव इक्वेशन सोल्व की थी लास्ट टाइम पे, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन सोल्व की थी, उसमें जो है श्रोडिंगर वेव इक्वेशन का जो सॉल्यूशन होता है उससे हमें किसकी वैल्यू मिलती है? एनर्जी स्टेट की. और सेकंड वैल्यू एक तो ई की वैल्यू मिलती है वहाँ से, और एक वैल्यू मिलती है हमारे पास वेव फंक्शन साई की. अब जो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन हमने सोल्व की थी उसको हमने रिप्रेजेंट किया था इन टर्म्स ऑफ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स. कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स कौन से होते हैं? मीन्स ये एक्स, वाई एंड जेड, इन तीनों के टर्म्स में हमने उसको एक्सप्लेन किया था. बट अगर हमें उसका सॉल्यूशन चाहिए, कि इसका इक्वेशन के सॉल्यूशन को और ज़्यादा हम इजी बनाना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे? कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स को चेंज कर देंगे पोलर कोऑर्डिनेट्स में. पोलर कोऑर्डिनेट्स में वेव इक्वेशन के सॉल्यूशन को फाइंड आउट करना ज़्यादा इजी है एज कम्पेयर टू कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स. कोऑर्डिनेशन लिख दिया है तो मैंने पोलर कोऑर्डिनेट्स. पोलर कोऑर्डिनेट्स कौन से होते हैं? आर, थीटा एंड फाई, ये याद होना चाहिए. कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई जेड और पोलर कोऑर्डिनेट्स आर, थीटा एंड फाई. आर होगी उसकी रेडियस और ये दोनों रिप्रेजेंट करते हैं एंगल को. अब जो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है अगर हम उसे पोलर टर्म्स में लिखना चाहें तो वो किस तरीके से लिखेंगे? श्रोडिंगर वेव इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ पोलर कोऑर्डिनेट्स. बस एक्स वाई जेड की जगह पे आर थीटा फाई आ जाएगा. 1 r² करली डिवाइडेड बाई करली आर, आर स्क्वेयर करली साई बाई करली आर, प्लस 1 डिवाइडेड बाई आर स्क्वेयर इंटू साइन थीटा करली बाई करली थीटा साइन थीटा करली साई बाई करली थीटा, प्लस 1 r² साइन स्क्वेयर थीटा करली 2 साइन बाई करली फाई स्क्वेयर, प्लस 8 π² म्यू, ये म्यू है, डिवाइडेड बाई h² ई माइनस वी साई इज इक्वल टू 0. ये होती है कंप्लीट इक्वेशन श्रोडिंगर वेव इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ पोलर कोऑर्डिनेट्स. ओके, यहाँ पे ये जो म्यू है उस वाली इक्वेशन में जब हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में लिखते हैं 8 π² m होता है ना, म्यू जो रिप्रेजेंट कर रहा है ये रिड्यूस्ड मास होगा. म्यू को हम बोलते हैं रिड्यूस्ड मास. इसकी वैल्यू किसके इक्वल होती है? m1 m2 डिवाइडेड बाई m1 + m2. m1 यहाँ पे क्या है? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, और m2 हो जाएगा मास ऑफ न्यूक्लियस. m1 स्टैंड्स फॉर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड m2 इज मास ऑफ
न्यूक्लियस। क्लियर टू यू? अब आगे देखो, अब ये जो इक्वेशन है मेरे पास, अगर मैं इसको सेपरेट करती हूँ, वेरिएबल सेपरेट कर ले, इसमें टोटल जो है हमारे पास थ्री वेरिएबल्स है, दैट इज़ आर, थीटा एंड फाई। इसको जो है हम वेरिएबल को सेपरेट कर ले, मीन्स थ्री फंक्शंस लेके चले, तो इसको हम किस तरीके से लिखेंगे इक्वेशन को, साई आर थीटा फाई इज इक्वल टू, ये है फर्स्ट फंक्शन, ऐसे ही नेक्स्ट थीटा, और ये हो जाएगा फाई। ठीक है, अब इसमें जो है ये जो r वाला फंक्शन है, ये किसके ऊपर डिपेंड करेगा, सिर्फ डिस्टेंस के ऊपर, थीटा डिपेंड करेगा एंगल, इसकी जो वैल्यू होगी वो थीटा एंगल के ऊपर डिपेंड करेगी, और इस फंक्शन की वैल्यू डिपेंड करेगी साई एंगल के ऊपर। मींस तीनों के तीनों को जो है हमने सेपरेट कर दिया, थ्री फंक्शंस के टर्म में जो है पूरी इक्वेशन को जो है डिवाइड कर दिया। इससे क्या होगा, हमारे पास तीन सिंपल इक्वेशंस आ गई, तीनों में ही वन वन वेरिएबल है, इन तीनों को जब हम इजिली जो है सोल्व कर सकते हैं। अब जो हमारे पास श्रोडिंगर वेव इक्वेशन का सॉल्यूशन होता है, उसमें जो है कुछ कॉन्स्टेंट्स रिक्वायर होते हैं, और उन कॉन्स्टेंट्स को हम बोलते हैं क्वांटम नंबर्स, दैट इज एन एल एम वैल्यूज। क्लियर? अब जो हमारे पास फॉर एग्जांपल जो यहाँ पे वेव फंक्शन है आर आर, ये किसके ऊपर डिपेंड करेगा, क्वांटम नंबर एन और एल के ऊपर। सिमिलर में जो वेव फंक्शन थीटा है, ये डिपेंड करेगा एल क्वांटम नंबर एम के ऊपर, और जो ये वेव फंक्शन है ये डिपेंड करेगा सिर्फ एम के ऊपर। दैट मीन्स इसको मैं किस तरीके से लिख सकती हूँ, साई आर थीटा फाई इज इक्वल टू आर, ये फंक्शन डिपेंड कर रहा है क्वांटम नंबर एल एंड एल, ये एल और एम के ऊपर, एंड नेक्स्ट वन इज ओनली एम के ऊपर। ये वाला जो पार्ट है, इस पार्ट को हम बोलते हैं रेडियल पार्ट, और जो नेक्स्ट ये पार्ट है इसको हम बोलते हैं एंगुलर पार्ट। इस इक्वेशन से हमें क्या पता चल रहा है कि जो वेव फंक्शन है उसको जो है हमने रिप्रेजेंट कर दिया प्रोडक्ट ऑफ थ्री फंक्शंस, और जो ये थ्री फंक्शंस हैं इसमें से एक फंक्शन डिपेंड करेगा डिस्टेंस आर के ऊपर, बाकी जो दो हैं और वो रेडियल पार्ट जो है वो डिपेंड करेगा एन एंड एल के ऊपर, और जो बाकी जो दो फंक्शन है दैट इज एंगल थीटा और फाई, इसको हम बोलते हैं एंगुलर पार्ट, और ये क्वांटम नंबर किसके ऊपर डिपेंड करेंगे, एल एंड एम के ऊपर। फर्स्ट पार्ट को बोल लेंगे रेडियल पार्ट या फिर रेडियल वेव फंक्शन, और सेकेंड को बोल लेंगे एंगुलर वेव फंक्शन। ठीक है, ये वाला होगा रेडियल वेव फंक्शन, और जो एंगुलर पार्ट है वो रिप्रेजेंट करेगा एंगुलर वेव फंक्शन को। मीन्स कि जो मेरे पास वेव फंक्शन था उसे जो हमने टू पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, फर्स्ट जो पार्ट है वो है रेडियल वेव फंक्शन, रेडियल वेव फंक्शन हमें क्या बताएगा, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एज अ फंक्शन ऑफ डिस्टेंस आर, आर डिस्टेंस मीन्स न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन का कितना डिस्टेंस है, इट गिव्स द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एज अ फंक्शन ऑफ डिस्टेंस, एज अ फंक्शन ऑफ डिस्टेंस आर फ्रॉम द न्यूक्लियस, कि कितने डिस्ट्रीब्यूशन जो है इलेक्ट्रॉन के वो कितने डिस्टेंस पे है न्यूक्लियस के साथ, और ये बेसिकली डिपेंड करेगा दो फंक्शंस के ऊपर, दो क्वांटम नंबर्स के ऊपर, दैट इज एन एंड एल के ऊपर। क्लियर? रेडियल पार्ट को ऐसे डिफाइन करेंगे। सिमिलर वे में जो सेकेंड है वो है एंगुलर वेव फंक्शन, एंगुलर वेव फंक्शन, एंगुलर वेव फंक्शन किसको बोलेंगे, इन दोनों के प्रोडक्ट को, थीटा एंड फाई का जो प्रोडक्ट है ये है एंगुलर वेव फंक्शन, और ये किस चीज के ऊपर डिपेंड करेगा, डायरेक्शन, इट डिपेंड्स, एंगल एम इज डायरेक्शन को शो कर रहा है उसकी, अपॉन द डायरेक्शन गिवन बाय एंगल्स थीटा एंड फाई, और ये इन दोनों के ऊपर डिपेंड करे, दैट मीन्स ये क्या डिटरमिन करेगा, शेप के ऊपर, इलेक्ट्रॉन की जो है शेप है वो किस तरीके की होगी, या फिर इलेक्ट्रॉन क्लाउड की शेप, या फिर ऑर्बिटल की शेप कहूँ मैं, इट डिटरमिन द शेप ऑफ ऑर्बिटल, और ये दो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, क्वांटम नंबर एल एंड एम के ऊपर। क्लियर? अब ये देखो, ये जो एंगुलर पार्ट है ये एन के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा, एन वैल्यू के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा, इट मीन्स इसका मतलब क्या हुआ कि जितनी भी शेप्स हैं एस ऑर्बिटल्स की, 1s हुआ, 2s हुआ, 3s हुआ, सभी की जो शेप होगी वो क्या होगी, सेम शेप होगी,
सिमिलरली जो पी ऑर्बिटल्स है, 2p है, 3p है, उन सब की शेप जो होगी वो क्या होगी, सेम होगी, बिकॉज n के ऊपर तो ये पार्ट डिपेंड नहीं कर रहा ना, और n क्या है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की 1s है, 2s है, उन सभी की शेप एक जैसी होगी। सिमिलर वे में 2p है, 3p ऑर्बिटल है, उन सभी की शेप एक जैसी होगी। क्लियर। अब हमारे पास जो है इसको जो हम रिप्रेजेंट करेंगे सिंपली इस तरीके से, y थीटा फाई इज इक्वल टू थीटा एंड फाई, और जो टोटल वेव फंक्शन है हमारे पास साई आर थीटा फाई इज इक्वल टू रेडियल पार्ट एंड एंगुलर पार्ट। जो कंप्लीट वेव फंक्शन है किसको रिप्रेजेंट करेगा, ऑर्बिटल को। कंप्लीट वेव फंक्शन हो गया साई, इट रिप्रेजेंट्स एन ऑर्बिटल इन विच रेडियल पार्ट गिव इट साइज एंड एंगुलर पार्ट डिटरमिन्स इट्स शेप। कंप्लीट जो वेव फंक्शन है वो रिप्रेजेंट कर रहा है एक ऑर्बिटल को, उसके दो पार्ट्स हैं रेडियल पार्ट और एंगुलर पार्ट। रेडियल पार्ट डिटरमिन करेगा किसको, साइज को उसके, और जो एंगुलर पार्ट होगा वो डिटरमिन करेगा इसकी शेप को। क्लियर। अब ये जो है हमारे पास वेव फंक्शन कंप्लीट हो गया। अगर हम इनकी जो रेडियल वेव फंक्शन है या फिर एंगुलर वेव फंक्शन ऑर्बिटल्स के लिए एन की वैल्यू 1, 2, 3 सोल्व करें, तो यहाँ पर जो डिफरेंट डिफरेंट मतलब कि जो सॉल्यूशंस आते हैं उनको डिफ़िकल्ट है रिमेंबर करना। तो हम जो है यहाँ पे इम्पोर्टेंट जनरलाइजेशन मींस कि जो हमारे पास सॉल्यूशन आ रहे हैं उससे इम्पोर्टेंट कंक्लूजन्स क्या निकलते हैं वो हम यहाँ पे स्टडी करेंगे, और वो आपको जो है बेसिकली लर्न होने चाहिए, बिकॉज इनके जो सॉल्यूशन है सॉल्यूशंस के तो डिफरेंट वैल्यूज है, उसको याद करना जो है थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है। तो हम यहाँ पे जो है उन सॉल्यूशन से क्या हमारे पास इम्पोर्टेंट जनरलाइजेशन आ रही है वो स्टडी करेंगे। क्लियर। इम्पोर्टेंट जनरलाइजेशन सॉल्यूशन से, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के सॉल्यूशन से हमें क्या इम्पोर्टेंट जनरलाइजेशन मिल रही है। अब देखो अगर मैं बात करती हूँ, एक बार आपको इसकी वैल्यूज शो करती हूँ कि कैसे इसकी वैल्यूज होती है। विजिबल है ये देखो, जैसे मेरे पास ऑर्बिटल है स्टार्टिंग में 1s ऑर्बिटल, 2s ऑर्बिटल, सिमिलर वे में 2 में भी अंकित 3 होते हैं, 2px, 2py, 2pz, देन 3s, 3px, 3py, 3pz, इस तरीके से सारे के सारे ऑर्बिटल्स हैं। वेव फंक्शन जो है हमने उसको दो पार्ट में डिवाइड करा है, रेडियल पार्ट एंड एंगुलर पार्ट। रेडियल पार्ट की 1s के लिए ये वैल्यू है, काफ़ी लार्ज वैल्यू है, एंगुलर पार्ट के लिए ये वैल्यू है, सिमिलर वे में 2s के लिए, 2p के लिए, तो सभी के लिए जो है एक तरह पूरा का पूरा टेबल है सॉल्यूशन, रेडियल पार्ट के लिए डिफरेंट और एंगुलर पार्ट के लिए डिफरेंट। इसको याद करना थोड़ा सा डिफिकल्ट प्रोसेस है, तो हम जो है इन रिजल्ट से हमारे पास क्या जनरलाइजेशन आ रही है वो स्टडी करेंगे। क्लियर। अब देखो आगे, फर्स्ट जो जनरलाइजेशन है वो ये कि वेव फंक्शन ऑफ एस ऑर्बिटल, पहले मैं थोड़ा सा लिख देती हूँ फिर साथ साथ आपको डायग्रामेटिकली इसको एक्सप्लेन करूँगी। वेव फंक्शन ऑफ एस ऑर्बिटल आर इंडिपेंडेंट ऑफ एंगल थीटा एंड फाई। वेव फंक्शन जो होगा एस ऑर्बिटल का, अब हमारे पास जो वेव फंक्शन है वो दो पार्ट में डिवाइड हो गया, एक तो हो गया रेडियल पार्ट और सेकंड है एंगुलर पार्ट। रेडियल पार्ट में हमारे पास फंक्शन कौन सा आता है, आर, और एंगुलर में दो आते हैं थीटा एंड फाई। अब जो एस ऑर्बिटल का वेव फंक्शन है वो इंडिपेंडेंट है, मीन्स कि वो थीटा और फाई के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा, मीन्स किसके ऊपर डिपेंड करेगा, सिर्फ डिस्टेंस आर के ऊपर न्यूक्लियस से। अब देखो जो हम बात करते हैं ये किस तरीके से आया हमारे पास, फिर से इसमें देखो बुक में टेबल में 1s की बात करूँ, अगर एंगुलर पार्ट क्या है 1/4π⁴, इसमें एंगल ना थीटा है ना फाई दिया हुआ, सीधी कॉन्स्टेंट एक मेरे पास वैल्यू है, दैट मीन्स ये क्या हुआ, एंगुलर पार्ट इंडिपेंडेंट है, उसके ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा। बट अगर मैं रेडियल पार्ट की वैल्यू की बात करूँ तो रेडियल पार्ट में मेरे पास आर टर्म आ रही है, दैट मीन्स कि जो 1s ऑर्बिटल का वेव फंक्शन है वो एंगुलर पार्ट के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा, वो सिर्फ किसके ऊपर डिपेंड करेगा, रेडियल पार्ट पे। क्लियर। अब जो एंगुलर पार्ट पे ये ऑर्बिटल जो है डिपेंड नहीं कर रहा, एंगुलर पार्ट हमें क्या बता रहा था उसकी शेप के बारे में, इसीलिए जितने भी हमारे पास ये ऑर्बिटल है 1s है, 2s है, 3s है, ये सारे के सारे जो ऑर्बिटल है इंडिपेंडेंट होंगे एंगल थीटा एंड फाई से। और सिंपली वे में मैं इसको क्या कह सकती हूँ कि जो s ऑर्बिटल्स हैं दे आर स्फेरिकली सिमेट्रिकल, स्फेरिकली सिमेट्रिकल। क्लियर हुआ ये पॉइंट, स्फेरिकली सिमेट्रिकल मैंने कैसे कहा, बिकॉज जो हमारे पास वेव फंक्शन है एस ऑर्बिटल के लिए वो इंडिपेंडेंट है, वो थीटा एंड फाई के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा, दैट मीन्स सारे के सारे जो एस ऑर्बिटल्स हैं वो क्या होंगे, स्फेरिकली सिमेट्रिकल होंगे।
क्लियर। और अगर मैं बात करती हूँ 1s ऑर्बिटल के लिए ही, जो रेडियल फंक्शन है उसकी वैल्यू हमारे पास कितनी है, रेडियल पार्ट की वैल्यू 1s ऑर्बिटल के लिए 2z डिवाइडेड बाय a नॉट रेस टू द पावर 3/2 e माइनस जेड आर डिवाइडेड बाय a नॉट। अब देखो ये वाली जो पहले वाली टर्म है, पहले वाली ये वाली पूरी टर्म है, ये तो सारी की सारी कॉन्स्टेंट है, इसमें तो कुछ भी डिपेंड नहीं करेगा। अब इसमें e रेस टू द पावर r, यहाँ पे आ रही है मेरे पास r की वैल्यू, क्लियर। जेड हाइड्रोजन एटम के लिए लेके चल रहे हैं, हाइड्रोजन एटम के लिए जेड की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 होगी वैल्यू, ये भी 1 होगा। ए नोट यहाँ पे क्या है, बहुत रेडियस, इसकी रेडियस कितनी है, ये रेडियस भी फिक्स होगी। दैट मीन्स कि जो मेरे पास रेडियल वेव फंक्शन है वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, ई रेस टू द पावर माइनस आर के ऊपर। अब ये जैसे जैसे हमारे पास आर की वैल्यू इंक्रीज होगी, आर की वैल्यू स्टार्टिंग में 0 है, देन 1, आर की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, क्या है, नेगेटिव टर्म में, तो ये फंक्शन क्या होगा, डिक्रीज करेगा। मींस इट कॉन्टिन्यूसली डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन आर। जैसे जैसे हमारे पास आर की वैल्यू इंक्रीज होगी, ये जो फंक्शन है ये फंक्शन क्या होगा, डिक्रीज करेगा। और अगर मैं इसको ग्राफिकली ड्रॉ करूँ, वो किस तरीके से ड्रॉ करेंगे, ये रेडियल फंक्शन और इधर है आर। जैसे जैसे आर की वैल्यू इंक्रीज होगी, स्टार्टिंग में जो है मैक्सिमम वैल्यू होगी, बट जैसे जैसे डिस्टेंस इंक्रीज हो रहा है, जो रेडियल पार्ट फंक्शन है इसकी वैल्यू डिक्रीज हो रही है, तो इसका जो ग्राफ आएगा वो इस तरीके से ग्राफ आ जाएगा। जैसे जैसे डिस्टेंस इंक्रीज होगा, रेडियस इंक्रीज होगी, फंक्शन क्या है, डिक्रीज करेगा, क्लियर। सिमिलर वे में अगर मैं बात करती हूँ 2s के लिए, 2s ऑर्बिटल के लिए जो रेडियल पार्ट है इंडिपेंडेंट है, s ऑर्बिटल वो तो एंगल थीटा एंड फाई एंगुलर पार्ट्स तो इंडिपेंडेंट है। रेडियल पार्ट में जो मेरे पास फैक्टर आते हैं वो फैक्टर है जेड डिवाइडेड बाय 2a नॉट 2 माइनस जेड आर डिवाइडेड बाय ए नोट ई रेस टू द पावर माइनस जेड आर डिवाइडेड बाय 2a नॉट। ये फंक्शन है। आप देखो पहले वाली जो ब्रैकेट है पूरी कॉन्स्टेंट है कंप्लीट, इसमें हमारे पास वेरिएबल आ रहा है आर और यहाँ पे वही सेम फैक्टर आर, क्लियर। अब अगर मैं इसकी बात करूँ, ये जो स्टार्टिंग में इसकी वैल्यू है डिक्रीज करेगी जैसे जैसे मेरे पास आर की वैल्यू इंक्रीज करेगी। आप समझ रहे हो मेरी बात, जैसे मैं पहले इसको लेकर चलती हूँ पहली ब्रैकेट को, 2 माइनस जेड आर डिवाइडेड बाय ए नोट, ये हमारे पास एडिशनल टर्म है, ये वाली टर्म तो एक्सपोनेंशियल टर्म तो पहले भी थी, अब ये वाली जो टर्म आ रही है, ये टर्म क्या आ रही है, हमारे पास एडिशनल आ रही है। अब अगर मैं बात करती हूँ कि जैसे जैसे आर की वैल्यू इंक्रीज होगी, वेन आर इज इक्वल टू 2a नॉट, आर की वैल्यू कितनी हो जाए, 2a नॉट हो जाए। देखो जरा, अगर आर की वैल्यू 2a नॉट हो जाए, मैं इसमें पुट करूंगी 2 माइनस जेड तो 1 होगा, आर की जगह पे 2a नॉट डिवाइडेड बाय a नॉट से a नॉट कैंसिल, 2 माइनस 2 0, कि यहाँ पे क्या होगी, जो साई की वैल्यू है वो कितनी बन जाएगी, 0 बन जाएगी एट आर इज इक्वल टू 2a नॉट। स्टार्टिंग में डिक्रीज करेगी जैसे जैसे आर की वैल्यू इंक्रीज होगी एक्सपोनेंशियल टर्म की वजह से, फिर जब हमारे पास आर की वैल्यू 2a नॉट की इक्वल हो जाएगी, वहाँ पे जो वैल्यू होगी वो क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। और ऐसा पॉइंट जहाँ पे मेरे पास रेडियल पार्ट की वैल्यू 0 हो जाए, इस पॉइंट को हम बोलते हैं नोड। इसके बाद आर की वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर देन होगी 2a नॉट से। अब ये वैल्यू जो है ग्रेटर आ रही है, ये वाला फंक्शन ग्रेटर आ रहा है 2 से, दैट मीन्स ये क्या होगा, नेगेटिव आया, तो हमारे पास वैल्यू क्या होगी, वेव फंक्शन जो है वो नेगेटिव हो जाएगा। ग्राफिकली इसको ड्रॉ करूँ और अच्छे से एक्सप्लेन होगा, ये क्लियर होगा आपको, ये रेडियल पार्ट और ये है इसकी स्टार्टिंग में मैक्सिमम वैल्यू जैसे इसमें थी, डिक्रीज हो रही है, होते होते डिक्रीज, ये क्या होगी वैल्यू, 0 हो जाएगी, ये हो गई वैल्यू 0, ये पॉइंट 0 का रेडियल पार्ट, इस पॉइंट को हम बोल लेंगे नोड। उसके बाद क्या होगा, जैसे जैसे आर की वैल्यू ग्रेटर होगी, जो ये वेव फंक्शन है आर, ये क्या होगा, नेगेटिव बन जाएगा, तो ये वैल्यू जो है इस तरीके से नेगेटिव में जाने स्टार्ट हो जाएगी, इस तरीके से ये जाएगा। क्लियर, समझ में आया 1s एंड 2s ऑर्बिटल की जनरलाइजेशन, की जो मेरे पास s ऑर्बिटल जितने भी है वो एंगुलर पार्ट के ऊपर डिपेंड नहीं करते, उससे तो इंडिपेंडेंट है। बट अगर मैं रेडियल पार्ट की बात करी, फर्स्ट वाले हमारे पास एक्सपोनेंशियल टर्म आ रही है, माइनस में है, तो जैसे जैसे r की वैल्यू इंक्रीज होगी, ये जो फैक्टर होगा ये डिक्रीज करेगा r इज इक्वल टू 0 पे। जब ये r की वैल्यू 0 होगी, वहाँ पे वेव फंक्शन की वैल्यू मैक्सिमम होगी, और जैसे जैसे r की वैल्यू डिक्रीज होनी इंक्रीज होनी स्टार्ट होगी, वेव फंक्शन क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। सिमिलर वे में अगर 2s की बात कर रहे हैं, 2s के केस में दो फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है, एक तो एक्सपोनेंशियल टर्म ही और सेकेंड टर्म ये है। स्टार्टिंग में फंक्शन r इज इक्वल टू 0 पे मैक्सिमम होगा, फिर से ये वैल्यू इंक्रीज होगी आर की, तो डिक्रीज होना स्टार्ट होगा। बट जब हमारे पास आर की वैल्यू 2a नॉट की इक्वल हो जाएगी, उस केस में हमारे पास रेडियल पार्ट कितना आ रहा है, 0, और इस पॉइंट को हम बोल लेंगे नोड, कि जहाँ पे जो रेडियल वेव फंक्शन है वो क्या हो जाए, 0 हो जाए। इसके बाद फर्दर वो वैल्यू जैसे जैसे हम आर की वैल्यू इंक्रीज करेंगे वो नेगेटिव होगा, तो ये वैल्यू जो है इस तरीके से नेगेटिव से जाएगी।
क्लियर। अब आगे जैसे हमने ये दो कंसिडर करे, 1s करा, 2s करा, सिमिलर वे में अगर मैं 3s की बात करती हूँ, 3s में हम ये ऑब्जर्व करते हैं कि जो मेरे पास ये जीरो वैल्यू आती है वो टू पॉइंट्स पे आ रही है जीरो। 3s ऑर्बिटल की बात करूँ, जैसे यहाँ पे तो वन पॉइंट पे वैल्यू जीरो आ रही है, 3s की केस में टोटल टू पॉइंट्स पे जीरो आएगी वैल्यू, दैट मीन्स उसके अंदर क्या होगी, टू नोड्स प्रेजेंट होगी। और अगर मैं जनरली बात करूँ ns ऑर्बिटल के लिए, हमारे पास जो है n माइनस वन नंबर ऑफ नोड्स होती है। देखो ns, जब 1s था n की वैल्यू 1, 1 माइनस 1 जीरो नोड, इसमें एक भी नोड नहीं थी। जब n की वैल्यू 2 है, 2s ऑर्बिटल, 2 माइनस 1 1 नोड, 1 नोड आ गई। सिमिलर वे में व्हेन n इज इक्वल टू 3, 3s ऑर्बिटल, 3 माइनस 1 2 नोड्स, इस केस में हमारे पास क्या होगी, 2 नोड्स प्रेजेंट होगी। इसका भी अगर हम ग्राफ ड्रॉ करें, स्टार्टिंग में फंक्शन मैक्सिमम होगा, डिक्रीज करता करता फर्स्ट नोड, फिर ये नेगेटिव नेगेटिव इस तरीके से इंक्रीज होगा, ये ऐसे जाएगा आगे, एक नोड यहाँ जाएगी और दूसरी नोड यहाँ जाएगी, ठीक है। ये तो आगे ऐसे कॉन्स्टेंट चला जाएगा, ये दो नोड्स हो जाएंगे हमारे पास। क्लियर। अब आपको जो है जनरल सिम ये फॉर्मूला याद रखना है कि ns ऑर्बिटल के लिए हमारे पास जो है रेडियल पार्ट में n माइनस वन नंबर ऑफ ओर्स प्रेजेंट होंगी, नोड्स प्रेजेंट होंगी। क्लियर। अब आगे अगर हम बात करते हैं 3p ऑर्बिटल की, 3p नहीं पहले 2p, अभी हमने 1s डिस्कस करे ना, अब आगे 2p ऑर्बिटल की बात अगर करते हैं। अब देखो जो 2p ऑर्बिटल का वेव फंक्शन है, अगर मैं उसे कंसिडर करती हूँ रेडियल पार्ट एंड एंगुलर पार्ट, रेडियल 2p के हमारे पास 3 होते हैं, 2px, 2py एंड 2pz। रेडियल पार्ट की वैल्यू कितनी होती है, 1/√3z डिवाइडेड बाई 2a नोट रेस टू द पावर 3/2 जेड आर डिवाइडेड बाई ए नोट ई रेस टू द पावर माइनस जेड आर डिवाइडेड बाई 2a नोट। और ये तीनों के लिए ही सेम वैल्यू है। सिमिलर वे में अगर मैं एंगुलर पार्ट की वैल्यू बात करूँ, 3/4π रेस टू द पावर 1/2 साइन थीटा कोस फाई, 3/4π कॉन्स्टेंट टर्म सेम है, 1/2 साइन थीटा साइन फाई एंड 3/4π रेस टू द पावर 1/2 कोस थीटा। अब देखो 2p ऑर्बिटल के केस में टोटल हमारे पास 3 ऑर्बिटल्स हैं, तीनों के लिए ही रेडियल पार्ट की वैल्यू सेम है। रेडियल पार्ट की वैल्यू हमें क्या बताती है, उसके साइज के बारे में, दैट मीन्स कि जो मेरे पास 2p ऑर्बिटल्स हैं उनका जो साइज होगा वो क्या होगा, सेम साइज होगा। रेडियल पार्ट जो है साइज बताते हैं ऑर्बिटल का, तीनों की वैल्यू सेम आ रही है, दैट मीन्स 2p के जो तीन हमारे पास ऑर्बिटल्स हैं 2px, 2py, 2pz, तीनों का जो साइज होगा वो क्या होगा, सेम होगा। अगर हम एंगुलर पार्ट की बात करें, एंगुलर पार्ट में जो है तीनों में ही डिफरेंट है, दैट मीन्स ये अब हमें क्या बताते हैं उसकी ओरिएंटेशन के बारे में, कि जो ओरिएंटेशन होगी उसकी वो क्या होगी, डिफरेंट डिफरेंट ओरिएंटेशन होगी। अब देखो ये वाला फंक्शन तो है, अगर मैं पहले रेडियल पार्ट की बात करती हूँ, रेडियल पार्ट में ये वाला पूरा फंक्शन तो कॉन्स्टेंट हो गया, वैल्यू पूरी की पूरी टर्म। रेडियल पार्ट किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, 2p का, जेड आर डिवाइडेड बाय ए नोट ई माइनस जेड आर डिवाइडेड बाय 2a नोट। अब इसमें मैं r की वैल्यू पुट करना स्टार्ट करती हूँ, ये फंक्शन कहीं पे भी जीरो तो नहीं होगा ना, दैट मीन्स इस केस में क्या होगा, एक भी नोट प्रेजेंट नहीं होगी। बट जैसे जैसे मेरे पास r की वैल्यू इंक्रीज होगी, ये फंक्शन क्या होगा, इंक्रीज होगा। अगर मैं इसे कंपेयर करूँ s के साथ, s में क्या हो रहा था, जीरो पे वैल्यू मैक्सिमम थी और वो फंक्शन डिक्रीज कर रहा था। बट इस केस में क्या होगा, जैसे जैसे हम r की वैल्यू इंक्रीज करेंगे, फंक्शन भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। अगर इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करें, स्टार्टिंग में वैल्यू जीरो और ये फंक्शन जो है इस तरीके से इंक्रीज होगा 2p ऑर्बिटल के लिए। क्लियर। कि पहले मैक्सिमम जाएगी वैल्यू, जितनी इंक्रीज होना स्टार्ट होगा मैक्सिमम होगी, और उसके बाद क्या होगा, वो थोड़ा थोड़ा सा डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगी, कब तक, जब तक हमारे पास जो है लास्ट वैल्यू ऑफ आ जाए। क्लियर। सिमिलर वे में ये था 2p ऑर्बिटल के लिए। अगर मैं 3p ऑर्बिटल के लिए ड्रॉ करूँ, फंक्शन सेम, वैल्यू इंक्रीज होती है, इंक्रीज होगी, फिर ये नेगेटिव जाएगी और फिर इस तरीके से जाएगा, दैट मीन्स इस केस में हमारे पास क्या होगी, 1 नोड प्रेजेंट होगी। ये है 3p ऑर्बिटल के केस पे। जो मेरे पास रेडियल वेव फंक्शन है, r इज इक्वल टू 0 पे उसकी वैल्यू मैक्सिमम थी s ऑर्बिटल के लिए, लेकिन p ऑर्बिटल के लिए r इज इक्वल टू 0 पे वैल्यू क्या होगी, 0 वैल्यू होगी। क्लियर। अब जो मेरे पास रेडियल वेव फंक्शन है, r इज इक्वल टू 0 पे 0 है, दैट मीन्स कि जो किसके लिए, सभी के लिए, पी हो, डी हो, या फिर आगे हम एफ की बात करेंगे, सभी के लिए, सिर्फ एक्सेप्ट एस ऑर्बिटल। अगर हम एस ऑर्बिटल की बात कर रहे हैं,
तो आर इज इक्वल टू जीरो पे इसकी जो वैल्यू है वो मैक्सिमम वैल्यू है, देन डिक्रीजेस। बट पी डी एंड एफ इनकी बात करें, इनकी जो है आर इज इक्वल टू जीरो पे इसकी वैल्यू भी कितनी होगी, जीरो वैल्यू होगी। क्लियर। और फर्दर ये वाली वैल्यू डिक्रीज कर रही थी, ये वैल्यू फर्दर आगे जाके क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। क्लियर। इन द सिमिलर वे अगर हम वेव फंक्शन डिस्कस करते हैं 3D ऑर्बिटल्स का, टोटल हमारे पास 5 3D ऑर्बिटल्स होते हैं, उसमें भी हम क्या ऑब्जर्व करते हैं कि जो डिफरेंट एंगुलर डिपेंडेंस होती है, रेडियल पार्ट जो है सेम है। जैसे इसमें था रेडियल पार्ट सेम है, एंगुलर डिपेंडेंस डिफरेंट डिफरेंट है, सिमिलर वे में 3D ऑर्बिटल के केस में भी जो रेडियल पार्ट है वो सेम है। दैट मीन्स कि 5 के 5 जो डी ऑर्बिटल्स है दे आर ऑफ इक्वल साइज, और जो ओरिएंटेशन है दैट मीन्स उनकी जो शेप है वो शेप क्या होगी, डिफरेंट डिफरेंट शेप होगी। ग्राफिकली ड्रॉ करते हैं इसको भी, सोल जो है हमने स्टार्टिंग ही कर लिया, अब इनके जो है आपको ग्राफ से मेनली इंपॉर्टेंट जिन ग्राफ का आपको पता होना चाहिए इस तरीके से। आर इज इक्वल टू जीरो पे वैल्यू जीरो, देन इंक्रीजेस, और एक हाइट तक इंक्रीज होगी, उसके बाद जो है वो स्लोली डिक्रीज करना स्टार्ट कर देगी। ये होगा 3D ऑर्बिटल के लिए। 3D एंड 4F ऑलमोस्ट दोनों जो है हमारे पास सेम है, इसी तरीके से 4F के केस में भी पहले इंक्रीज होगी और फिर क्या होगी, डिक्रीज होगी इस तरीके से। ये है 4F ऑर्बिटल, इधर है ये। अब आपको जो है इनसे क्या ऑब्जर्व हो रहा है, जितने भी मेरे पास स्टार्टिंग है, S में स्टार्टिंग होती है 1S से, P में स्टार्टिंग होती है 2P से, D में स्टार्टिंग होती है 3D से, और F में स्टार्टिंग होती है 4F में। कि जो स्टार्टिंग वाला फर्स्ट सबशेल है उसमें क्या है, उसके इसमें 0 नोड्स होंगी, एक भी नोड जो है वो प्रेजेंट नहीं होगी। इन सभी ऑर्बिटल्स में क्या है, कोई भी नोड्स प्रेजेंट नहीं होगी। मीन्स अगर मैं जनरल बात करूँ रेडियल वेव फंक्शन के लिए, जनरल फॉर्मूला डिस्कस करूँ कितनी हमारे पास नोड्स होंगी, तो रेडियल वेव फंक्शन हैज़ n-l-1, ये हमारे पास जनरल फॉर्मूला आ जाएगा। इतने नंबर ऑफ नोड्स जो हैं वो प्रेजेंट होंगी। चेक करके देखिए इसको, अगर फॉर एग्जांपल अगर मैं चेक करती हूँ 2s के लिए, 2s के लिए n इज इक्वल टू 2, l इज इक्वल टू 0, ये वैल्यू इस फॉर्मूले में पुट करो, 2-0-1, 1 नोड, और 2s के केस में 1 नोड होती है। क्लियर। और किसी के लिए चेक करके देखिए, 2p के लिए चेक करके देखिए, अगर n इज इक्वल टू 2, l इज इक्वल टू 1, 2-1-1 0, 2p के केस में 0 नोड, ये देखो 2p के केस में 0 नोड होगी। क्लियर। सिमिलर वे में और किसी के लिए 4p के लिए चेक करके देखिए, n इज इक्वल टू 4, l इज इक्वल टू 1, 4-1-1-1-1-2, 4-2, 2 नोड्स। इस केस में क्या होगा, 2 नोड्स होंगे, हमने कहा था n-1 नंबर ऑफ नोड्स होंगे, वो फॉर्मूला था s ऑर्बिटल के लिए। और p ऑर्बिटल के हमारे पास क्या आ गया, n-l-1, इतने नंबर ऑफ नोड्स जो हैं वो प्रेजेंट होंगे। क्लियर। ये जो फॉर्मूला है n-l-1, ये जो है सभी रेडियल पार्ट के लिए फॉर्मूला अप्लाई होगा, बस आपको जो है n और l की वैल्यू जो है वो आनी चाहिए नोट करने। क्लियर। अब आज जो हमने पढ़ा रेडियल एंड एंगुलर वेव फंक्शन के बारे में पढ़ा, एक बार इसको सम अप कर दूं कि जो रेडियल वेव फंक्शन होता है हमारे पास वो किसके बारे में बताता है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कि जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो न्यूक्लियस से किस डिस्टेंस पे है। सेकंड थिंग, डिपेंड करेगा क्वांटम नंबर n एंड l के ऊपर। रेडियल वेव फंक्शन की वैल्यू जो है वो सभी s ऑर्बिटल के लिए r इज इक्वल टू 0 पे मैक्सिमम होगी, और बाकी अगर मैं सभी की बात कर रही हूँ, r इज इक्वल टू 0 पे वो वैल्यू कितनी होगी, 0 होगी, और इसके अंदर नोड्स कितनी होंगी, n-l-1 नोड्स प्रेजेंट होंगे। क्लियर। सिमिलर वे में एंगुलर वेव फंक्शन वो किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है, थीटा फाई के ऊपर, और वो हमें क्या बताता है, ज्योमेट्री के बारे में। क्वांटम नंबर कौन कौन से होंगे जिसके ऊपर डिपेंड करेगा, l और m। क्लियर। ये जो था रेडियल वेव फंक्शन, ये है कंप्लीट हुआ। थैंक यू।